सुरक्षा बलों का गोगोई फॉर्मूला साफ साफ दिखाई दे रहा है। पुलवामा के संबूरा में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने कासो यानी कॉर्डन एंड रिसर्च ऑपरेशंस लॉन्च किया था। जॉइंट ऑपरेशन पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी का फायदा आतंकियों को न मिले, इसलिए सुरक्षा बलों ने चार पत्थरबाजों को सामने बिठा दिया। साथियों को सामने देखकर पत्थरबाजों ने सेना पर पत्थर फेंकने बंद कर दिए। रिप्रेजेंटेटिव सरकार के कुछ मजबूरियां होती हैं और जिस वजह से कि वो हमेशा फौज के ऊपर सिक्योरिटी फोर्स में अंकुश लगाते हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद राज्यपाल शासन लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। सूत्रों के मुताबिक अब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस और पत्थरबाजों पर कार्रवाई में तेजी लाई जा सकती है। हमारे हमेशा ये मानना रहा है, मस्कुलर पॉलिसी या सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती। क्या देश की जनता का मनोबल नहीं गिरता था जब पत्थरबाजों पर हुआ था और उसके लिए पीछे महबूबा जी एक स्टेटमेंट दे देती थी? अब इस सरकार के साथ और समर्थन देना ना राष्ट्र हित में होगा ना जम्मू कश्मीर के हित में होगा। असल में सीज फायर के दौरान पत्थरबाजों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन मुफ्ती सरकार के जाने के बाद अब बड़ा एक्शन हो सकता है। ये माना जा रहा है कि 2019 तक पत्थरबाजों पर एक्शन में कोई सियासी दखलंदाजी नहीं होगी। टारगेट पर आतंकवादी भी सबसे ऊपर है। आतंकियों के टॉप कमांडर्स की लिस्ट तैयार है। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकियों के खिलाफ कुछ बड़े ऑपरेशंस को भी अंजाम देने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल आतंक प्रभावित दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में अभियान चला सकते हैं। उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए। उनकी जो कार्रवाई है वो एक प्रोफेशनल कार्रवाई है और उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इंडियन आर्मी ने देश को कभी फेल किया ही नहीं है। आज कश्मीर को आतंकियों और पत्थरबाजों से मुक्त करने का नया रास्ता बन गया है। देश की उम्मीदों का सम्मान करने वाली सेना ने हमेशा उम्मीद से बेहतर नतीजा दिया है। अब आज की रात आतंकियों पर भारी पड़ने वाली है। जन्नत में अमन चैन लाने की जिम्मेदारी अब सेना के जवानों पर है, क्योंकि आतंक पर अब कड़ी निंदा नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई होगी। श्रीनगर से खालिद हुसैन और दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल ये बात तो सीधी साफ स्पष्ट है कि आतंकवाद के मुद्दे पर ये सरकार गिरी। इसीलिए अब उम्मीद है कि एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चले। देखिए सेना अब क्या करेगी। सेना को आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने की छूट। आतंकवादियों के समर्थकों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई करने में आसानी अब होगी। पत्थरबाजों के खिलाफ सेना करेगी सख्त कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस से सियासी दबाव अब खत्म हो जाएगा। कश्मीर में पाकिस्तान की फंडिंग पर भी लगाम लगेगी। अभी कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाने के दो तरीके बचते हैं। पहला सीमा पार से आतंकियों की एंट्री रोकना और दूसरा सीज फायर का फायदा उठाकर घाटी में घुसे पाकिस्तानी टेररिस्ट को खत्म करना। और सेना ने दोनों के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जवान का मुराल ऊपर है तो वो सवाल ही नहीं उठता कि दुश्मन हमारे इलाके से पार कर सके। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारियों की लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। भारत माता की जय। पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकियों का स्वागत करने के लिए आर्मी दिन रात तैयारी कर रही है। इस खतरनाक इलाके में बारूदी सुरंगें भी हैं और कंटीली बाढ़ के पार से दुश्मन की एंट्री भी होती है। इसीलिए हर इलाके की हर इंच जमीन की तलाशी होती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आसपास किसी शत्रु की आहट का पता लगाने के लिए सैनिक बैठते हैं और दुश्मनों का इंतजार भी करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसी कार्रवाई के वक्त एक शब्द भी बोलना आतंकियों को अलर्ट कर सकता है, इसीलिए सारी बातचीत इशारों में होती है। ऑपरेशन से पहले एक बेसिक उसूल है, इस ब्रीफिंग के दौरान हम पहले जवानों का मोरल और जो इक्विपमेंट और वेपन रेडीनेस ये चेक करते हैं, साथ ही मौजूद कंटिजेंसीज जो कि ऑपरेशन करने के दौरान हमारे सामने आ सकती हैं, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फौजियों की हर एक पेट्रोलिंग पार्टी के पास AK-47 से लेकर बड़े बारूदी गोले दागने वाली कार्ल गुस्ताफ रिकॉयलेस राइफल भी होती है। ये जवान सिर्फ दिन में ही नहीं रात में भी दुश्मनों का आसानी से शिकार कर सकते हैं। हेलमेट पर लगा नाइट विजन डिवाइस अंधेरे में भी दुश्मनों को ढूंढने की गारंटी देता है। हरे रंग की इन तस्वीरों में आसानी से भारत के दुश्मनों को ढूंढ कर खत्म किया जा सकता है।
हमें जो इक्विपमेंट दिए जाते हैं वो चाहे रात का समय हो, खराब मौसम, धुंध का समय हो या दोपहर का समय हो, जवान का मुराल ऊपर है तो वो सवाल ही नहीं उठता कि दुश्मन हमारे इलाके से पार कर। ये तस्वीरें असली ऑपरेशन की तो नहीं लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है। पुरानी कहावत है कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाएंगे युद्ध भूमि में उतना ही कम खून बहेगा, और जब ये सैनिक किसी अभियान पर नहीं होते तो आतंकियों को खत्म करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अफसोस की बात है, ऐसे ही एनकाउंटर में, ऐसे ही ऑपरेशन में एक जैश मोहम्मद का कमांडर भी शामिल है। आप देखिए, कुछ ही घंटे बीते हैं और आतंकवादियों के खात्मे की तैयारी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट दो विकेट गिर भी गए हैं इन आतंकियों के, जिसमें से एक तो कमांडर है जैश का।